Hi friends, so today we are going to learn about the channelization method in media access control. तो अभी तक हम लोगों ने जो प्रीवियस में जितने भी टेक्निक्स पढ़ी हैं, चाहे वो रैंडम एक्सेस की बात करें या फिर हम कंटेंशन मेथड की बात करें या फिर रिजर्वेशन पोलिंग की बात करें, CSMA की बात करें, अलोहा, स्लॉटेड अलोहा, प्योर अलोहा की बात करें, वो सारे मेथड्स में जो एक बात थी वो सिमिलर थी, वो ये थी कि मीडिया एक है और मीडिया उस मीडिया को एक बार में कोई एक ही स्टेशन यूज कर सकता है या एक ही नोड इस्तेमाल कर सकता है अपने डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है क्रिएट कि डे बाय डे हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में अगर एक टाइम पे किसी को अगर डेटा ट्रांसमिट करना होगा तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स बहुत ज्यादा है, तो जब नंबर ऑफ नोड्स बहुत ज्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बहुत सारे जो नोड्स हैं वो वेटिंग कंडीशन में रहेंगे और केवल एक ही नोड क्या करेगा, डेटा को पास करेगा। सो उस कंडीशन में हमें ये चाहिए है कि उस मीडिया को बेसिकली एक बार में एक से अधिक नोड इस्तेमाल कर सके, और इसी मेथड को हम लोग चैनलाइजेशन मेथड के थ्रू के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चैनलाइजेशन मेथड है बेसिकली क्या? तो चैनलाइजेशन मेथड की जब बात करते हैं तो वहां पे मीडिया को जो फिजिकल मीडिया होता है उस फिजिकल मीडिया को चैनल्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं, यानी उसको मल्टीप्लेक्स कर दिया जाता है। तो ये चैनलाइजेशन मेथड किस तरीके से काम करता है? तो बेसिकली चैनलाइजेशन मेथड की तीन टेक्निक को यूज की जाती है आज के डेट पे, वो है पहली FDMA, दूसरी TDMA और तीसरी CDMA। FDMA stands for frequency division multiple access, यहाँ पे frequency को divide किया जाता है, TDMA में time को, और code division multiple access में codes की हेल्प से ये काम की जाती है। तो let's see एक एक करके कि ये सारा टास्क कैसे पॉसिबल हो पा रहा है। सो लेट्स वी हैव फोर स्टेशन, वी हैव स्टेशन ए, स्टेशन बी, स्टेशन सी एंड स्टेशन डी, एंड ऑल दिस फोर स्टेशन यूज दिस पर्टिकुलर मीडिया, हाउ कैन दे एक्सेस? तो अभी तक के जो कंडीशंस है, अगर ए मीडिया को एक्सेस करेगा तो बी सी डी ये सारे वेटिंग कंडीशन में होंगे, बी यूज करेगा तो ए सी डी वेट करेंगे। यहां पे कहा गया नहीं, वेट करने की जरूरत नहीं, यहां पे सिंपल एक कंडीशन ये रखा गया कि जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दिया गया, एक ए को दिया गया, एक बी को दिया गया, एक सी को दिया गया, एक डी को दिया गया। सिमिलरली यहां पे भी क्या हुआ, उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया गया, दो तीन चार, दिस इज फॉर ए बी सी डी, एंड सिमिलरली यहां पे भी कुछ वैसा ही है, यहां पे भी कुछ वैसा ही होगा, दिस इज फॉर, आप यहां देख रहे हो ये टाइम के रिस्पेक्ट पे चल रहा है और ये फ्रीक्वेंसी के एक्स वाई एक्सिस पे आप देखो। तो यहां पे क्या किया गया, जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दिया गया, और वो डिवाइडेड फ्रीक्वेंसी हर एक स्टेशन को क्या किया गया, अलॉट कर दिया गया, यानी अब सेम टाइम पे यानी एक ही बार सारे स्टेशन अपना डेटा भेज सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम लोग फिजिकल मीडिया पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये पॉसिबल कैसे है। तो पॉसिबल इस तरीके से है कि लेट सपोज वी हैव अ मीडिया ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज, हमारे पास एक केबल है, उस केबल की कैपेसिटी है 100 मेगाहर्ट्ज। जब ये 100 मेगाहर्ट्ज कैपेसिटी है, दैट मींस वो 100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को कैरी कर सकता है। हमने क्या किया, इस 100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को लॉजिकली डिवाइड कर दिया 25 मेगाहर्ट्ज, 25 मेगाहर्ट्ज, 25 मेगाहर्ट्ज एंड 25 मेगाहर्ट्ज। हमने इस 100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को लॉजिकली डिवाइड किया 4 25 25 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में, और एक 25 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी स्टेशन ए को दे दी, दूसरी 25 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बी को, तीसरे सी को और चौथे डी को, और इस तरीके से अब एक बार में एक ही मीडिया पे एक से अधिक नोड्स अपना डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो दिस पर्टिकुलर
टेक्निक इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और ये जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है, इस टेक्निक को यूज किया जाता है आज जो आप इस्तेमाल करते हो जीएसएम, ये जो आप मोबाइल फोन जो यूज कर रहे हो जीएसएम फोन, उस जीएसएम फोन में इसी टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है एक से अधिक यूजर्स को एक बार में बात कराने के लिए। यानी जो फ्रीक्वेंसी है उन सारे एक ही फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम यूजर्स क्या कर सके, एक बार में बात कर सके। तो वहां पे इस फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक को यूज की जाती है। अब एक सिंपल सी बात ये आती है कि एक और टर्म है जिसका नाम है एफडीएम, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एंड हियर वी हैव फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो ये क्या ये दोनों सिमिलर है, एक ही है, या किसी कुछ इसमें फर्क है? नहीं, दोनों एक नहीं है, दोनों में फर्क है और बहुत फर्क है। दोनों में जो डिफरेंसेस है वो काफी डिफरेंसेस है। कैसे? तो सबसे पहले जब हम लोग एफडीएम ए की बात करते हैं तो ये बात करता है डेटा लिंक लेयर की, और जब हम लोग एफडीएम की बात करते हैं तो ये बात करता है फिजिकल लेयर की। यानी ये ओएसआई के लेयर 1 की बात करता है और ये ओएसआई के लेयर 2 की बात करता है। एफडीएमए एक टेक्निक है जिसमें कि चैनल को हम लोग लॉजिकली डिवाइड करते हैं, जबकि एफडीएम जो टेक्निक है इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि लेट सपोज कि लोअर चैनल्स आ रहे हैं जिसकी कैपेसिटी कम है, और वहां से फिर जो चैनल्स आगे जा रहे हैं उसकी चैनल कैपेसिटी ज्यादा है, तो उस टाइम पे जो लोअर चैनल्स कैपेसिटी के सारे लिंक्स हैं उनको मल्टीप्लेक्स करके एक सिंगल चैनल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो वहां पे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का इस्तेमाल किया गया, जबकि हम लोग फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस कह रहे हैं कि मीडिया को हम जानबूझ के सेपरेट करना चाह रहे हैं, वहां पे अलग अलग चैनल्स बनाना चाह रहे हैं, और जबकि यहाँ पे छोटे छोटे चैनल्स आ रहे थे और इन चैनल्स के बदले एक बड़ा चैनल बनाया गया। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। लेकिन यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि एक ही चैनल को हमने क्या किया, चार अलग अलग लॉजिकल चैनल्स में क्या कर दिया, चार लॉजिकल मीडिया में डिवाइड कर दिया। तो यानी अब एक बार में एक मीडिया पे एक से ज्यादा डेटा, एक से ज्यादा स्टेशन एक बार में डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। दूसरा जो टेक्निक है हमारे पास, उस टेक्निक को हम लोग टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस कहते हैं। तो ये टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस कैसे डिफरेंट है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस से, और ये बेसिकली क्या किस तरीके से काम करता है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस सिंपल एक टेक्निक है जहां पे हमारे पास, जब हम इस एक्स ग्राफ की बात कर रहे थे तो यहां हमारे पास दो डोमेन था, एक डोमेन था फ्रीक्वेंसी और दूसरा डोमेन क्या था, टाइम। यानी एक एक्सिस फ्रीक्वेंसी के लिए था और दूसरा एक्सिस टाइम के लिए था। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस कहता है कि जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है उस फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दो, लो जितने नोड्स है उसके बीच में। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस कहता है नहीं, जो टाइम है उस टाइम को डिवाइड कर दो ए बी सी डी, और उस टाइम को डिवाइड करके हर एक स्टेशन को अलॉट कर दो। सिमिलरली यहां पे भी उसी तरीके से एफ टी के लिए, और ये एक जो टाइम स्लॉट है वहां पे फ्रीक्वेंसी को स्लॉट किया गया था, यहाँ पे किसका स्लॉटिंग हो रहा है, टाइम का स्लॉटिंग हो रहा है। जैसे यहाँ पे 100 मेगाहर्ट्ज का अगर हमारा जो केबल का कैपेसिटी था या चैनल की कैपेसिटी था, तो उस 100 मेगाहर्ट्ज की चैनल कैपेसिटी को हमने क्या किया, लॉजिकली 25-25 में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, क्या थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट इस तरीके से कि लेट सपोज व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम, तो टाइम का यूनिट है सेकेंड। यानी अगर हम डिवाइड करेंगे तो सेकेंड को ही डिवाइड कर सकते हैं, और कुछ यहाँ पे डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो सिंपली यहाँ पे क्या किया गया, उसी टाइम को, उस टाइम को हमने क्या किया, उस 1 सेकेंड के टाइम को 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 हमने क्या किया, 1/4 सेकेंड ए को दिया, 1/4 सेकेंड बी को दिया, 1/4 सेकेंड सी को दिया, एंड 1/4 सेकेंड डी को दिया। यानी हर 1 सेकेंड में हर नोड का डेटा क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, 1/4 सेकेंड अगर हमने ए को दिया तो चैनल की कैपेसिटी 100 मेगाहर्ट्ज की थी,
वन बाय फोर सेकेंड के लिए 100 मेगाहर्ट्ज कौन इस्तेमाल कर रहा है? ए 1/4 सेकेंड के लिए 100 मेगाहर्ट्ज कौन इस्तेमाल कर रहा है? बी 1/4 सेकेंड के लिए 100 मेगाहर्ट्ज कौन इस्तेमाल कर रहा है? सी और 1/4 सेकेंड के लिए कौन इस्तेमाल कर रहा है? तो डी इस्तेमाल कर रहा है। तो वहां पे हमने क्या किया था कि 25 25 मेगाहर्ट्ज हमने दिया था, लॉजिकली डिवाइड किया था। और रेगुलर मतलब अगर उस तरीके से आप काउंट करो तो वहां पे भी हर सेकंड 100 जा रहा था। तो उसी तरीके से यहां पे हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी जो थी उसकी जगह पे हमने टाइम को डिवाइड किया, टाइम की स्लाइसिंग की, और हर एक टाइम स्लॉट हमने एक स्टेशन को डिवाइड अलॉट कर दिया। और इस मेथड को हम लोग कहते हैं TDMA, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और मैं फिर आपको बता रहा हूं, इस TDMA का इस्तेमाल भी GSM में होता है। तो जो GSM टेक्नोलॉजी होती है, यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जो आप 2G 3G 4G मोबाइल्स कहते हो, तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी में FDM और TDM दोनों का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से एक बार में एक से ज्यादा यूजर्स एक बार में आपस में बात कर सकते हैं। मोर देन वन यूजर एक ही चैनल को यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइम डिविजन मल्टीपल एक्सेस। अब फिर वही बात, जब हम लोग टाइम डिविजन FDMA की बात कर रहे थे और FDM की बात कर रहे थे, तो उसी तरीके से यहाँ पे जब हम लोग TDMA और TDM की बात करेंगे, तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही डिफरेंस है कि ये डेटा लिंक लेयर पे काम कर रहा है और ये फिजिकल लेयर के लिए, यहाँ पे फिजिकल लेयर की बात की जाती है। सिमिलरली यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं कि हमने चैनल को डिवाइड किया है, चैनल में टाइम स्लॉट को डिवाइड किया है। क्यों? क्योंकि हम चैनल को जानबूझ के चैनलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब कि एक ही चैनल में एक बार में एक से ज्यादा नोड को भेजने की बात कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि लोअर एरिया से लोअर लोअर एरिया से जो, या लोअर चैनल से जो आ रहा है उसमें मैक्स बिगर चैनल्स में जब भेजने की बात करते हैं, तो वहां पे हम लोग TDM टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट FDMA एंड TDMA। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग CDMA को समझने की कोशिश करेंगे। CDMA टेक्नोलॉजी इज स्लाइट डिफरेंट फ्रॉम दिस टू टेक्नोलॉजीज, एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस टू टेक्नोलॉजीज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग CDMA को समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।